देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। आस्था के महापर्व छठ सुबह के अर्घ के साथ ही समाप्त हुई, लेकिन छठ मैया ने जाते जाते 6 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। पूर्णिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 6 लोगों के छठ के बाद नहाने के दरमियान डूबने से मौत की खबर है, जिनमें सदर थाना क्षेत्र से 1, जलालगढ़ थाना क्षेत्र से 2, मीरगंज थाना क्षेत्र से 1 व माली पंचायत के लीला घाट से 1 लोग के खबर की पुष्टि हुई है, जबकि सभी के शव को पूर्णिया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। इनमें से 2 बच्चे और बाकी वयस्क है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह सुबह सुबह अर्घ देने के बाद नदी में नहाने गए थे, जहां से वह वापस नहीं लौटे। करके आके फिर गया था लोग नहाने के लिए, किस जगह पर? ये अच्छा, आप लोग यहाँ आए, अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा है, कितने लोग के डूबने की खबर है? जब से जलालगढ़ से 2 है, जलालगढ़ से 2 है, और आपके सामने और कितने लोग आए? ये दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही जगह के। क्या उम्र हो रही होगी इनकी? 10 साल और 12 साल। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम विवेक है, एक का नाम श्याम। पोस्टमार्टम में 3 लोगों की डूबने की, इसमें कर दी बढ़िया जी, लोगों को पैसा मिलेगा, गरीब आदमी। कितने लोगों को पैसा मिलेगा? 4-4 लाख। 3 लोगों की पोस्टमार्टम की गई है, वीडियो साइन करा के देगा। 2 बच्चे। अच्छा, एक और बॉडी बाहर है, तो टोटल लगभग 4 है।